खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कल 4,200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4,200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। और किस लिए निकले? किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले, आइन के लिए निकले, अपने आइन की हिफाजत करने के लिए निकले। और वो क्यों निकले, वो फिर भी ये आइन का कई दफ़ा कई लोग हैं उनको समझ नहीं आती। देखिए, मुल्क का कानून बनता है मुल्क के आइन से। आइन फैसला करता है कि मुल्क में हर इदारे का क्या रोल है, हर इंसान के बुनियादी हकूक क्या हैं, यानी सारी जो मुल्क चलता है जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, वो सारी निकलती है आइन से। तो जब एक मुल्क का आइन ख़त्म होता है तो ये समझें कि मुल्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो नज़रिया ज़रूरत है, ये जो पाकिस्तान में हम आज तक हकीकी आज़ादी नहीं ले सके, ये नज़रिया ज़रूरत जब आता है तो ये आइन को ख़त्म करके आता है। और नज़रिया ज़रूरत कभी आज़ाद माशरों में नहीं आता, सिर्फ ग़ुलाम माशरों में नज़रिया ज़रूरत आता है। जब अंग्रेज़ आया तो उसने हुकूमत कर रहा था तो उसने अपने लिए और कानून बनाए हुए थे, लोगों के लिए, अवाम के लिए और थे। तो अंग्रेज़ को जो अपने लिए, क्योंकि उसने इतने बड़े लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही थी और वो अपने बराबर नहीं उनको समझता था, वो ऊपर था और लोग नीचे थे। अंग्रेज़ के लिए और कानून था, लोगों के लिए दूसरा कानून था। तो जब आज़ादी मिली तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि कानून के सामने सब एक बराबर हो जाए, जो कि एक आज़ाद मुल्क में होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या हुई, आते साथ ही मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब वही कि जो ऊपर जो जिसने कब्ज़ा किया, जिस फौज ने, वो कानून के ऊपर चले गए। उनके लिए पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करना पड़ा, तो उन्होंने फिर अपने कानून बनाए, ताकतवर अपने कानून बनाता गया। और फिर जब बदकिस्मती से जब हमारी जमहूरियत भी आती थी तो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी था वो भी एक डिक्टेटर की तरह मुल्क चलाता था, वो भी तनकीद नहीं बर्दाश्त करता था। मैं 70 की दिहाई की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी लोग आज़ाद नहीं हुए, वहाँ भी लोगों को मारा पीटा जाता था। अपनी एक फोर्स बनाई हुई थी FSF, वो लोगों को मारते मूरते थे, मुखालफिन को डराते धमकाते जेलों में डालते थे। ये शुरू में तारीख है, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तो वो भी अपने आप को वो बादशाह समझना शुरू हो गया। और फिर ज़ियाउल हक का ज़माना आया, फिर ख़त्म हो गया आइन। और फिर जब हमारी हुकूमतें आईं उसके बाद, तो उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझना शुरू हो गए। तो वो जब मुल्क में कोई गलत काम करते थे तो वो समझते थे कि अदालत की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए हमें रोकने के लिए, लिहाजा सुप्रीम के ऊपर हमला किया गया, डंडों से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, एक बड़ा दयानतदार हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको भगाया गया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से, और जजेस को जान बचा के लोग भागे। और फिर पैसा चलाया ब्रीफ केस से, जजेस को तकसीम किया गया और फिर सजाद अली शाह को हटाया गया। और तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो जमहूरियत के ज़रिए भी, जो अपने आप को इलेक्शन के ज़रिए भी आते थे, वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे, वो भी समझते थे कि हमें अदालत कौन है हमें पूछने के लिए। और अभी भी आप देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी, ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस ख़त्म करो। एक दफ़ा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनमा की वजह से ये जो फंसे थे, वो पैनमा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंडन के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनमा के इंकशाफ में आए थे, फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर GIT बनी, उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी हैं। और फिर दुबई में नौकरी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। ये सारी चीज़ें सामने आई,
इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा, किसी ने हमें सजा दे दी, तो किसी की मिजाल के हम वो लोग थे, हम कोई ख़ास लोग थे कि हमारे से पूछ लिया और हमें सजा दे दी। तो ये है मुल्क का मसला, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं मदीना की रियासत की इसलिए आप सबको बार बार मिसाल देता हूँ कि जब वो गरीब तरीन हालात में थे, पहली चीज़ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कानून की हुक्मरानी कायम की, अदल और इंसाफ कायम किया। उसकी बुनियाद पे खड़ा हुआ एक दुनिया का अजीम तरीन माशरा। आज दुनिया में कोई अब मुल्क देख लें जहाँ खुशहाली है, जिधर इंसाफ है वहाँ खुशहाली है, जिधर जंगल का कानून है वहाँ गुर्बत है। तो ये तो यानी जो भी दुनिया जानता है उसे पता है कि ये हालात हैं जब आपके मुल्क के अंदर माइट इज़ राइट होती है, यानी ताकत की हुक्मरानी होती है, जो पाकिस्तान में आज। इसलिए कल का दिन बहुत अहम था इस मुल्क की तारीख में, अपने मुल्क की आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, इसके लिए 4,200 जगह पे लोग निकले। और सारों ने, फिर से मैं ये कहता हूँ कि किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले, अगर उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया तो चीफ जस्टिस का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो आइन के साथ खड़े हैं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सारे दुनिया के अंदर जजेस, पाकिस्तान के जजेस, वकील, सब समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, 60% कैबिनेट करप्शन केसेस के ऊपर बेल पे है, ये अब पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन से भागने की, और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन ना मिले। खुल के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मानेंगे नहीं, ये खुल के कह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले सिर्फ ये देख लें, उसके बाद मैं बाकी बात करता हूँ कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था तो इनके लोगों ने क्या सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक क्या स्टेटमेंट्स दी। हमारे पास अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल जाती है कि ये पहले क्या कहते थे अब क्या कहते हैं। मुझे कहते थे कि अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो अपनी हुकूमतें डिसॉल्व कर दें, हुकूमतें डिसॉल्व की तो सारे इलेक्शन से भाग गए। अब कहते हैं कि जी इमरान खान इंतशार फैला रहा है, आइन के मुताबिक चल रहा है इमरान खान, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, दो हमारी हुकूमतें हमने डिसॉल्व की, आप सब ने कहा, आइन भी कहता था, मुल्क का कानून कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन हो, 90 दिन गुजर गए इलेक्शन नहीं हो रहे, हमें कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, किस तरह अक्टूबर में। इसका मतलब 70% पाकिस्तान डिसइनफ्रेंचाइज है, यानी उनके इलेक्टेड नुमाइंदे 70% पाकिस्तान नहीं होंगे। एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ की हुकूमत यहाँ कायम कर दी जिसकी कोई कानूनी और आइनी कोई जवाज़ नहीं है, और फजल रहमान की हुकूमत कायम कर दी है पख्तूनख्वा में। सो इसलिए मैं ये सुनना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ कि क्या कहा इन्होंने जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था।
سو واضح ہو گیا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ان کو سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی, اس کے فیصلوں کی اہمیت کی سمجھ آ گیا کہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. اور اب جب کہ 15 کے 15 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں, تو اب یہ سارے مل کے کہ کیونکہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے 90 دنوں اور الیکشنز ہو جائیں, وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے کیوں الیکشن سے بھاگے ہوئے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن پہلے رپورٹ آئی, عوام کو تو پتہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل, ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسالہ ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے. جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے سری لنکا سے مہنگائی. مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوا نے تحفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا. ایک سال پہلے, میں پھر سے کہتا ہوں, دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوا اس قوم سے کر کے گیا. ان کو بٹھایا اوپر, انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ECL سے کیبنٹ نے ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے, کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, یاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی میں, جو لوگوں کے آج حالات ہیں, پھر سے میں بتا دوں, 100 روپیہ ایک سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج 62 روپئے خرید سکتا ہے. 62 روپئے رہ گئے ہیں اس 100 روپئے میں سے. تو خریدار 100 روپئے سے گر کے, ایک آدمی کے پاس جو 100 روپئے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپئے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسیٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں, کھانے پینے کی چیزیں, تو وہ صرف 52 روپئے رہ گئے ہیں 100 روپئے میں سے, اور گرتا جا رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آج وہ ساری قوتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے. آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی؟ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے, تو وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا, جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے. ان کے پاس تو روڈ میپ نہیں ہے. اکتوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے, اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے, کیسز اور کرنے ہیں. کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ علی امین کو 1 مہینہ پکڑا, جیلوں میں پھرایا, کدھر سے کدھر, بکھر, پھر اسلام آباد, پھر اس کو لے کے گئے ادھر لاہور لے کے آئے, تشدد کیا اس کے اوپر, پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور. تو کیا ہوا؟ 20 کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں. وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ نہیں دیکھا, انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا. تو کیا فرق پڑا؟ کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا؟ کیا یہ عمران خان 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, کیا میں رک گیا ہوں؟ میں پھر نکل رہا ہوں, میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں, میں پھر جلسے کر رہا ہوں, بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں, 14 تک کروں گا. یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ رک جائے گی, 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں. اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. ہم صرف اپنی ملک کی معیشت,
देखते हुए, क्योंकि हमने बाहर नहीं भागना अभी तक, मेरी जगह ये दूसरे होते तो बाहर भागे होते बड़ी देर के, हमने यहाँ जीना मरना है। इसलिए मुल्क का सोच रहे हैं कि अगर हमने यहाँ सड़कों के ऊपर निकला है जिस तरह श्रीलंका में लोग निकले थे, तो यहाँ तो माइशत तो आगे बैठ गई है। तो इसलिए मैं सबको आज कह रहा हूं कि ये जो आप जुल्म कर रहे हैं और जो हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं, इससे तहरीक नहीं रुकने लगी, उसको और तेजी ऊपर, तेजी से ऊपर जा रही है, लेकिन इससे मुल्क को आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो इस्लामाबाद में हुआ, आप ये सोचें कि कैसे हो सकता है कि पहले एक हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार वो इजाज़त देते हैं कि जी ये फंडामेंटल राइट है हमारा रैली निकालने का, वो कहता है फंडामेंटल राइट है, रात के 2 बजे पुलिस कहती है नहीं आप निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते और किस चीज़ के लिए रैली निकाल रहे हैं? आइन की, अपने आइन की बालादस्ती के लिए रैली निकाल रहे हैं, कोई इंतशार के लिए नहीं निकाल रहे, रूल ऑफ लॉ के लिए रैली निकाल रहे हैं, इजाज़त ही देते। और इजाज़त ही नहीं सिर्फ देते, वहाँ आप देखें औरतें वो बेचारी खड़ी हैं साइड पर, उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, सारी दुनिया के सामने मुंह काला करवा रहे हैं पाकिस्तान का। और उसके बाद हमारे रात को वर्कर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं, 50-60 वर्कर पकड़ लिए हैं, सरगोधा में अलग वर्कर पकड़ रहे हैं। तो क्या ये इससे साबित क्या कर रहे हैं आप कि वो इस्लामाबाद का जो IG है वो एक जराइम पेशा आदमी है? मुझे पता है, मैंने उसका केस देखा हुआ है, सेफ सिटी के अंदर वो करप्शन के अंदर सजा होने लगी थी उसको। दूसरा जराइम पेशा आदमी शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसको सजा होने वाली थी 24 अरब के केस में, उसने पहली चीज अपनी तरह के लोगों को उसको लाके वहां बिठा दिया। और क्योंकि वो गुलाम है शहबाज शरीफ का, वो पुलिस वाला नहीं है, पुलिस किताब पे चलती है, रूल ऑफ लॉ पे चलती है, पुलिस के कानून लिखे हुए किताब में है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये गुलाम है शहबाज शरीफ का, मुजरिम शहबाज शरीफ का, क्योंकि ये उसकी वजह से बचा हुआ जेल में, लिहाजा उसके गंदे काम करने के लिए तैयार है। यही आदमी मुलव्वज था डर्टी हैरी के साथ मुझे जुडिशल कमीशन में मरवाने के लिए, ये उसके अंदर भी शामिल था। इसने मिलके जो हमारे इस्लामाबाद के कोई 500 वर्कर्स को पकड़ चुका है, बारी बारी कभी जेलों में डालते हैं, पकड़ते हैं लोगों के घर में, पुलिस घुस जाती है, ये कौन सी जमहूरियत है? और क्या होगा इससे, क्या ये जीत जाएंगे चोर इलेक्शन? मैं इसलिए आज सारों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अगली बारी मैं कॉल दूंगा वो इससे बहुत बड़ी कॉल होगी। और ये आप जेल हो, किसी भी जो माहिर भी नहीं है पॉलिटिक्स का, जो इकोनॉमिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि जब तक आपकी इलेक्शन नहीं होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और तब तक आपकी माशियत उठ ही नहीं सकती। तो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, यानी ये तारीख माफ नहीं करेगी किसी उस इंसान को जिसने जो ये कर रहा है इस मुल्क के साथ। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से हो सकती नहीं है जो आज हो रही है। मीर जाफर छोटा नाम है, मीर जाफर छोटा नाम है जिस आदमी ने हमारी गवर्नमेंट 1 साल पहले गिराई और जिधर आज पाकिस्तान को पहुंचाया है, मीर जाफर उसके लिए छोटा नाम है, दुश्मन नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूं दुश्मन पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो वो उसने हमारे ऊपर पहुंचाया। इस मुल्क को सारे मिलके हम उठा सकते हैं, ये कौम इस मुल्क को निकाल सकती है। कोई बाहर की अब ताकत कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उन फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज़ नहीं थी, कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ़ को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? इसने वहाँ जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपका पाकिस्तान की जो पोजिशन है, क्या इसने जाके कोई कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहाँ लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है, एक ट्रिप जब जाता है ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना है, कम से कम 2-3 लाख डॉलर इसने खर्च किया है। और इसे पूछें जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया? एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पर हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं।
वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को, कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, मसनूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चाहता है, किसको चाहता है। और जिसको भी अवाम चाहता है वो आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए, उसके बाद मुल्क के अंदर इस्लाहत करें, वो इस्लाहत करें जो कभी यह हुकूमत नहीं कर सकती, और वही आके बजट दे, वही आके इस्लाहत करें, और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले जो कि निकल सकता है। मैंने 3.5 साल की जो मुझे तजर्बा हुआ, हमारा बैंकक्रप्ट था मुल्क, और 3.5 साल के बाद 17 साल में बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ठीक हो सकता है मुल्क, लेकिन उसके लिए एक बड़ा पब्लिक मैंडेट चाहिए ताकि मुल्क में इस्लाहत कर सके हम। और इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, हमने प्लान ऐसा बनाया हुआ है, इमरजेंसी किस्म का प्लान बनाया हुआ है, इंशाल्लाह इस मुल्क को उन सारे मुश्किल वक्त से निकालेंगे। शुक्रिया।